बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, मींस दैट दोज एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ बैक्टीरियल सेल। दीज आर सम क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स दैट इंक्लूड्स क्विनोलोन्स, फोलेट इनहिबिटर्स, मेट्रोनिडाजोल एंड रिफएम्पिन। We will study about these drugs and along with it we will study about their structure, their spectrum of activity and their basic mechanism of action through which these drugs inhibit synthesis of nucleic acid. जो फर्स्ट क्लास है इन एंटीबायोटिक्स में वो है क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें सबसे पहले दो रिंग्स होंगे, ठीक, उन दो रिंग्स में छः मेंबर्स होंगे और जब उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना हम, उस रिंग की सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम फ्लोरीन के साथ, तो जो क्विनोलोन्स होते हैं ये बन जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक, अब फ्लोरोक्विनोलोन्स जो से हैं ये हमारे पास एक डोमिनेंट ऑप्शन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर भी जो से सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोफ्लेक्सासिन होगा। इसमें जब मिथाइलेशन होती है तो क्या होगा कि इसकी जो एक्टिविटी होती है ड्रग से वो चेंज हो जाती है और उसकी वजह से जो इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी हर कंपाउंड की वो भी डिफरेंट होंगी। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर, यानी कि किस तरह न्यूक्लिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही होती है उसको इनहिबिट करता है। इसका जो मेन टारगेट होता है क्विनोलोन्स का वो होता है DNA टोपोआइसोमेरेज, जिसको हम गायरेज भी कहते होते हैं। ठीक, ये जो एंजाइम होता है DNA टोपोआइसोमेरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब DNA में सुपर कॉइलिंग हो रही होती है या जब सीलिंग हो रही होती है ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। अब जो बैक्टीरियल टोपोआइसोमेरेज है इसके चार सब यूनिट्स होंगे और जो क्विनोलोन होती है वो या एक सब यूनिट पर या एक से ज़्यादा सब यूनिट्स के ऊपर एक्शन करेगी और उनको इनहिबिट करेगी। और जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस उनसे होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो जो एंजाइम होता है उसकी ऊपर जब बाइंडिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा साइड से बाइंडिंग कर लेते हैं, उनकी बाइंडिंग मल्टीपल साइड्स पे होती है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगी वो बैक्टीरिया इतनी शो नहीं कर सकता। अगर बात की जाए क्विनोलोन्स के स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की तो ये बैक्टेरिसिडल होते हैं हमारे पास, और ये जो एरोब्स होंगे और फैकल्टेटिव एनरोब्स होंगे उनके खिलाफ इनका एक्शन होता है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकसाई और माइकोप्लाज्मा होंगे वो कुछ हद तक सक्सेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं क्विनोलोन्स, इनके जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, जैसा कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है टू ऑल द बॉडी कंपार्टमेंट्स। और फिर इसमें जो लो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो, इसकी जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन ऑफ फेगोसाइट्स होगा, ये सारी इसको फेवर करती हैं कि ये बैक्टीरिया में जाके अपना एक्शन करें। नेक्स्ट क्लास जो सी है वो है फोलेट इनहिबिटर्स। फोलेट जो है ये हमारे पास एक ऐसा कोएंजाइम है जो ट्रांसपोर्ट करता है वन कार्बन कंपाउंड की ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन, थायमोडीन या कुछ अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में भी। ठीक, अब जब ये हमारे पास प्यूरीन थायमोडीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है तो इनडायरेक्टली ये न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब ये जो ड्रग्स होंगे या एंटीबायोटिक्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे फोलेट को, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वो न्यूक्लिक एसिड है उसकी सिंथेसिस होगी नहीं। जब थायमोडीन जो प्यूरीन ही नहीं बनेंगे तो फिर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकती। फोलेट इनहिबिटर्स में हमारे पास उनसे एंटी बैक्टीरियल आते हैं उसमें हैं सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रीन एंड सल्फोन्स। सल्फोनामाइड्स जो से होते हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो इस तरह होता है कि एक हमारे पास कंपाउंड होता है जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको उस कंपाउंड को कहा जाता है PABA, यानी कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है। ठीक, अब जो सल्फोनामाइड्स हैं वो इस कंपाउंड के एनालॉग्स हैं, स्ट्रक्चर एनालॉग्स हैं इस कंपाउंड के। अब होता क्या है कि जो PABA होता है और एक और कंपाउंड होता है पिटेरिडीन, वो दोनों कंबाइन होते हैं तो फोलेट की सिंथेसिस होती है। ठीक, अब जो ये कम्बिनेशन होती है ये एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोपिटेरिएट सिंथेसिस,
अब जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो इस कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं ताकि जो वो एंजाइम है वो इन सल्फोनामाइड्स की बाइंडिंग जो है वो करवाए पिरिडीन के साथ, ना कि इस कंपाउंड की बाइंडिंग करवाए। ठीक, तो जब सल्फोनामाइड्स की पिरिडीन के साथ कम्बिनेशन हो जाती है तो इसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है पूरे प्रोसेस की। अब जो ये ब्लॉकेज होगी इसका इफ़ेक्ट बैक्टीरियल सेल पे किस तरह होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस हो रही होगी ना, वो पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा और ये जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है ये बैक्टीरियो स्टैटिक होगा। जब शुरू में सल्फोनामाइड्स इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव था और स्ट्रेप्टोकोकसाई स्टेफाइलोकोकसाई के ख़िलाफ़ भी ये एक्शन करता था, लेकिन अब ये है कि अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है इसके ख़िलाफ़। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एंटीबैक्टीरियल्स की मैक्रोनिडाजोल। अब इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली नाइट्रोइमिडाजोल है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव होता है, फंजाई के अगेंस्ट भी एक्टिव होता है और पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी एक्टिव होता है। इसकी एक्टिविटी किस तरह से होती है कि जो इस नाइट्रो ग्रुप होता है ना उसकी ये रिडक्शन कर देते होते हैं और इसके लिए एनरोबिक कंडीशंस जो सी होती हैं वो मस्ट होती हैं। ठीक, तो इसी वजह से यही चीज़ इसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है उसको भी एक्सप्लेन करती है कि ये एक्टिव होगा टूवर्ड्स एनरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब जो ये रिडक्शन प्रोडक्ट बनती है हमारे पास, यानी कि जब नाइट्रो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट होती है वो सेल पे मल्टीपल पॉइंट्स पे उसका एक्शन होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें जगह जगह पे ब्रेक्स आ जाते हैं। अब ये एनरोब्स के ख़िलाफ़ भी एक्टिव होता है और जो इसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की वो है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, उसके ख़िलाफ़ भी इसका एक्शन होता है, उसमें भी ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट क्लास इज रिफैम्पिन। इसमें क्या होता है कि जो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है ना उसके बीटा सब यूनिट के साथ ये बाइंड कर देते हैं और जिसकी वजह से जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकती। सही, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्टिव होते हैं। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें यूनिसेरिया और हेमोफिलस के खिलाफ एक्टिव होंगे, लेकिन जो दूसरे हैं जैसे एंड्यूरो बैक्टीरिशियाए वगैरह उसके ख़िलाफ़ ये एक्टिव नहीं होते। रेजिस्टेंस टूवर्ड्स रिफैम्पिन जो है वो भी प्रेजेंट होती है क्योंकि जब म्यूटेशन आ जाती हैं बैक्टीरियल सेल में तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो होगी वो उसकी तरफ शो होगी, लेकिन इसको इस वजह से फिर कंबाइन करके दूसरे एजेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, और इसको सिर्फ अलोन तब यूज़ किया जाता है जब कीमो प्रोफाइलेक्सिस होगा, तब रिफैम्पिन को अकेले इस्तेमाल किया जाएगा, वरना इसको नॉर्मली दूसरी ड्रग के साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सारी ड्रग्स की, वो किस तरह न्यूक्लिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही होती है उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक, जो हमने सबसे पहले जो हमने बात की थी सल्फोनामाइड्स की कि वो कंपीट करते हैं पीएबीए के साथ ताकि वो बाइंड कर सकें ट्राइमेथोप्रिम के साथ। ठीक, ये दोनों यानी कि ये वाला जो पीएबी होता है ये इन्वॉल्व होता है फोलेट की सिंथेसिस में, जब सल्फोनामाइड्स इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो इस प्रोसेस की क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी और आगे जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं हो सकेगा। रिफैम्पिन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज होता है ये इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सही, जो मेट्रोनिडाजोल है ये क्या करता है, जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसके यहाँ से रिडक्शन कर देगा, इसकी वजह से भी जो डीएनए है वो नहीं बनेगा। क्विनोलोन्स क्या करते हैं, वो टोपो आइसोमरेज के साथ बाइंड करते हैं जो इन्वॉल्व होता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग में, उसकी वजह से क्या होगा, जो सुपर कॉइलिंग होगी वो हो ही नहीं सकेगी और जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास वो प्रॉपर शेप और फॉर्म में। ये था हमारा आज का टॉपिक, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।